हेलो, मैं हूँ किरण। तो बच्चों, आज हम आपको बटरफ्लाई बनाना सिखाएंगे। और बटरफ्लाई बहुत सारे रंग की होती है, लेकिन अब हम कुछ कलर्स के द्वारा, जैसे ज़्यादा मोस्टली बटरफ्लाई येलो और ऑरेंज कलर की होती है, कुछ ब्राउन कलर की होती है, इस रंग को हम किस प्रकार से कलर करना है, इस तरीके से हम बटरफ्लाई में कलर करके हम बताएंगे। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले बटरफ्लाई आसान तरीके से कैसे बनाना है, इसके लिए हम बस पहले स्केच पेन लेंगे, पेंसिल लेंगे, इरेजर लेंगे और स्केल लेंगे। तो पहले हम पेंसिल से ड्रॉ करेंगे बटरफ्लाई। देखो, सबसे पहले हमने ये प्लेन पेपर लिया है और इसको हमने पहले हाफ, हल्का सा एक मार्जिन देने के लिए हमने इसको हाफ डिवाइड कर दिया था पेपर को, क्योंकि बटरफ्लाई सिमेट्री ड्राइंग की है। तो इसमें जो भी हम आधा हम फिगर बनाएंगे और आधा फिगर हम बिल्कुल सिमेट्री उसी तरीके से बनाएंगे जैसे पहले हमने इसका मुंह बनाया, ऐसे करके फिर इसकी बॉडी बनाएंगे। नीचे वाला पंख कोशिश करेंगे बिल्कुल एक जैसे हो दोनों। और इसकी एंटीना सुनाएंगे, और यहाँ पे इसकी एक राउंड राउंड बनाएंगे इसको। देखो, ये हमने पेंसिल से पहले ड्रॉ कर लिया है, अब इसके ऊपर हम स्केच पेन चलाएंगे। धीरे धीरे हम इस पर स्केच पेन चलाते हुए जाएंगे ताकि ये अच्छा सा ये उभार आ जाए इसके ड्राइंग का। इस तरीके से हम इधर वाले को भी करेंगे, इसके दूसरे पंख को। इसको हम ब्लैक कर देंगे यहाँ से। जितना भी पेंसिल हमने ड्रॉ किया इसको हम इरेज कर देंगे। ताकि इसमें ढंग से कलर हो सके। फिर येलो कलर करेंगे।
इस बाउंड्री को, इसको भी हम येलो कलर करेंगे क्योंकि मोस्टली तितली तो येलो रंग की होती है ना। ऐसे करके हम इसको कलर करेंगे। धीरे धीरे इसके लाइन के अंदर कलर करते जाएंगे। ये देखिए हमने पहले बाउंड्री बना लिए, अब हम ऑरेंज कलर लेंगे और इसके अंदर ऑरेंज कलर करेंगे। जितने भी स्पेस बचा है इसके अंदर हम ऑरेंज कलर करेंगे। धीरे धीरे इसको कलर करना है ताकि ये स्पेस ना दिखे बीच में। और ये पूरा ना ज़्यादा गाढ़ा करना है और ना ही ज़्यादा हल्का करना है, बिल्कुल बराबर कलर चलाना है। हमने बना दिए देखो ऑरेंज कलर और येलो कलर से। फिर हम ब्राउन कलर लेंगे, इसको थोड़ा सा डार्क करते जाएंगे। थोड़ा सा अलग से दिखने के लिए एक एक स्ट्रिप को करेंगे, एक स्ट्रिप छोड़ देंगे इसका, इसकी एक एक स्ट्रिप को करेंगे और यहाँ पे इसके फेस को कर देंगे ब्राउन कलर और ऑरेंज कलर को मिक्स करके। और यहाँ पे इसको इस तरह से शेडिंग देते हुए पर हम गोल्डन कलर भी कर सकते हैं। इसकी तितली थोड़ी शाइनिंग टाइप की होती है, तितली से शाइनिंग करेगा ये यदि हमने गोल्डन कलर करा तो। हमारा ये बटरफ्लाई बनकर तैयार हो गया है और देखो ये कितना सुंदर लग रहा है कलर करने के बाद। तो आपको हमारा ये ड्राइंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।